जांजगीर चांपा जिला प्रशासन ने मैंदा और पंतोरा गांव में दो बाल विवाह को रोका है और परिजन को समझाइश दी है, वहीं बाल विवाह के नुकसान से अवगत कराया है। दरअसल जांजगीर क्षेत्र के मैंदा गांव में 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी की सूचना के बाद प्रशासन की टीम ने दबिश दी, तब लड़के की उम्र 20 साल 11 माह निकली और फिर शादी रोकी गई। इसी तरह पंतोरा गांव में नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई गई है, लड़की की उम्र 16 साल 8 माह मिली। सूचना प्राप्त हुई हमारे यहाँ कि एक लड़के का बाल विवाह हो रहा है जो कि ग्राम मेहंदा का है, तो उसमें तत्काल टीम को रवाना किया। नाबालिग था वो, 21 वर्ष का नहीं हुआ था, तो टीम ने जाकर उस शादी को रोकवा दिया। और दूसरी एक लड़की जो कि ग्राम पंतोरा की थी, उसकी भी उम्र 16 वर्ष 8 माह हुई थी। और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, मेरे को मोबाइल से भी ये सूचना प्राप्त हुई थी, तो पहले से ही टीम सक्रिय हो गई थी और इस विवाह को भी आज रुकवा दिया गया। 17 बाल विवाह को होने से बचाया गया है और इसमें जिला स्तर से भी और ब्लॉक स्तर से भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और शपथ भी दिलवाई जा रही है जिससे छत्तीसगढ़ बाल विवाह मुक्त हो सके। इसमें यही अपील है कि पूरे ग्रामवासियों की भी जिम्मेदारी है कि जैसे ही बाल विवाह की सूचना प्राप्त होती है, इसकी तत्काल सूचना महिला बाल विकास विभाग या 112 की टीम या 1098 ये सब में दिया जावे। बाल विवाह से बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे लड़की की उम्र कम रहती है तो वह माँ बनने के लायक नहीं रहती है, इसके कारण भी बच्चा कुपोषित पैदा होता है और वह इस योग्य नहीं होती है, ना तो वह मानसिक रूप से इस योग्य होती है कि वह अपने विवाह को संभाल सके। और बहुत बड़ी कुरीति है यह बाल विवाह का होना, इसीलिए हम संदेश देना चाहेंगे कि बाल विवाह को बिल्कुल सभी आम जनता को भी बाल विवाह को रोकना चाहिए।